वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, हार्ड क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। सो लेट अस सी क्या है क्वेश्चन हमारा। अ स्मॉल टेरेस एट अ हिल हैज 100 स्टेप्स ऑफ विच इज 108 मीटर लॉन्ग एंड द बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/3 मीटर एंड हैज अ ट्रेड। मींस हमारा स्टेप है उसकी जो लेंथ है दैट इज 108 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/3 मीटर एंड हैज अ ट्रेड ऑफ 2/3 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस विल बी। सो पूरे हमें जो 100 स्टेप्स हैं सब में सबको बनाने के लिए कॉन्क्रीट कितना लगेगा वो ढूंढना है, ठीक है ना। सो अब कैसे करेंगे, ये 2/3 ऑफ ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब 108 मीटर, अब एक बात बताओ इसका जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा। वॉल्यूम ये एक क्यूबॉइड है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2/9 इंटू 108 कट हो जाएगा 36 से, ये 36 से सॉरी 18 से कट होगा, किससे रहेगा 1/12 होएगा, इज इक्वल टू 24 मीटर क्यूब हमारी एक की वॉल्यूम आ गई है। अब मैं बता दूं यही गलतियां होती हैं, इधर ही गलतियां होती है, ध्यान से देखो गलतियां इधर होती हैं। अब बच्चों को निकालना है हमें 100 स्टेप से कंप्लीट रिक्वायर्ड, वो क्या करते हैं 24 × 100 आंसर आ गया, ले लो 2400, इतनी आसानी थोड़ी आ जाएगा, हार्ड क्वेश्चन है। सो 2400 आंसर नहीं है हमारा, 24 × 100 नहीं करना है। आप खुद सोचो, अगर मैं कहूं मुझे 3 स्टेप की सीढ़ियां बनानी है, 3 स्टेप की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3rd स्टेप, देन 2nd स्टेप, देन 1st स्टेप, राइट, यही करोगे ना, यही करोगे ना आप। बट इसके नीचे भी तो बनाओगे, बात समझे। 3rd स्टेप जो है उसमें 3 यूज हो रही है ऐसे क्यूबॉइड, सेकेंड स्टेप में 2 क्यूबॉइड यूज कर रहे हैं, 1 स्टेप फर्स्ट स्टेप में 1 क्यूबॉइड यूज हो रहा है। अप्लाई योर माइंड, मतलब जो हमारा 100 स्टेप है उसमें ही 100 क्यूबॉइड यूज हो रहे हैं, मतलब 24 × 100 तो हमारा 100th में यूज हो रहा है। हमें 99th में, 98 में, 97 में सबका कैलकुलेट करना है। सो डरने की बात नहीं है, इसमें थोड़ी सी एपी यूज होगी, ठीक है ना। सो 100 स्टेप में क्या होएगा, 100 × 24 राइट, हर एक क्यूबॉइड का है और इंटू 100 स्टेप्स। फिर क्या होगा 99th स्टेप, उसमें कितने ब्लॉक्स यूज होंगे 99, सो 99 × 24 प्लस करते 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 हमारा एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में कितने हैं, 1 ही है, ठीक है ना, 1 ब्लॉक यूज हो रहा है खाली, और इंटू 24 जो उसका वॉल्यूम है। सो इसका अगर हम आंसर निकाले तो हमारे पास आ जाएगा, अब 24 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 100 लेके, ठीक है ना, 1 तक आ जाएगा राइट। सो अब इसकी एपी बन सकती है, हमारा डिफरेंस है दैट इज -1, हमारा फर्स्ट टर्म है दैट इज 100। अब ये इसका सम क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू, हमें पता है ये कितने नंबर्स हैं, 100 है राइट, डिवाइड बाय 2, एन बाय 2, याद ना आ रहा फॉर्मूला तो बता दू, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन बाय 2 इंटू 2a + n - 1b, या होता है या ये होता है या होता है हमारा a प्लस एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो हमें तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पता है, तो हम सीधा वही पुट कर देंगे, 100 + 1 हो जाएगा हमारा 101, ठीक है ना, ये कट जाएगा 50 हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 5050 हमारा सम आ जाएगा इसका। अब इंटू 24 करना है, क्या आ जाएगा 24 × 5050, बिकॉज इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है। अब इसका आंसर निकालो, क्या आ जाएगा 12 × 10100, 6 × 2020, 3 ×
इंटू 40400, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 300012. ये आ जाएगा हमारा आंसर 1,24,21,200 मीटर क्यूब. फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 1,21,200. मैंने इसे कोई भी कैलकुलेशन इरेज नहीं किया है फिगर के अलावा. सो वन ब्लॉक का 24 है, 100th ब्लॉक, 100th जो हमारी सीढ़ी बनेगी उसके नीचे 99 ब्लॉक्स लगेंगे उसको इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए. सो मतलब उसमें ही 100 यूज हो रहे हैं, तो मतलब 100, 99 सारे करके काउंट करके हमारा आंसर आएगा 1,21,200 सेंटीमीटर क्यूब. सो हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है. प्लीज अगली वीडियो में जरूर आइएगा. अगली वीडियो हमारी बनेगी स्टैटिस्टिक्स की, लास्ट चैप्टर है. थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.